हम यूरिक एसिड को नेचुरली कैसे ठीक करें? क्या हम यूरिक एसिड को अपने घर में ठीक कर सकते हैं? हाँ, मैंने हजारों लाखों लोगों का यूरिक एसिड नेचुरल तरीके से ठीक किया। इसे जानने के लिए सबसे पहले जानते हैं यूरिक एसिड हमारे शरीर में क्या काम करता है। यूरिक एसिड एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है, ये हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथिंग करता है, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूरिक एसिड की समस्या तब आती है जब हमारे शरीर में प्राइन का लेवल बढ़ जाता है। तो क्या होता है, हमारे पांव के विक टो बड़े अंगूठे के पास, प्रायः 80% लोगों के बड़े अंगूठे के पास, कईयों के एंकल्स में, कईयों के रिस्ट में, कईयों के एल्बो में एक स्वेलिंग सी हो जाती है, उसमें लालिमा आ जाती है और हमें काफी तेज दर्द रहती है। ये हमें नेचुरली कैसे कंट्रोल करना है? नेचुरली कंट्रोल जो यूरिक एसिड है, ये हमारे जो हम डाइट लेते हैं उससे बनता है और हमारे ब्लड में सर्कुलेट करता है। ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी एक तत्व है जो हमारे नर्वस सिस्टम के लिए और ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही एसेंशियल है। आज का मेरा टॉपिक है कि यूरिक एसिड को नेचुरल कंट्रोल कैसे करें। बढ़े हुए यूरिक एसिड को किडनी फिल्ट्रेट करती है। इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम कैसे कंट्रोल, इस बढ़ा हुआ यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले डिटॉक्सिफिकेशन जरूरी है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी, इसलिए पानी, जो जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं होम एस्ट्रो चैनल इन यूट्यूब, पानी खूब पिए। पानी आप अपने दिनचर्या ही पानी पीने से करें, सुबह उठकर 2 ग्लास पानी, गुनगुना पानी, तो आहिस्ता आहिस्ता पी। उसके बाद योग प्राणायाम, इसके लिए बहुत ही जरूरी है। उसके बाद फिर आप मूत्र त्याग करने के बाद 2 ग्लास पानी, दिन में कम से कम 10-12 ग्लास पानी जरूर। आप अपने दिनचर्या में साइकिलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डांस करें, नृत्य करें, रस्सा कूदें, तेज तेज चलें, योगिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बुजुर्ग आदमी है वो तेज तेज चलें, एक्टिव लाइफ जिए, सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं। आप मेरे से बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो पूछते हैं सर कई वेजिटेबल्स या मिल्क प्रोडक्ट हम छोड़ दें जिनमें प्राइन होते हैं। प्राइन हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्राइन में रिच सब्जियां जो हैं बैंगन, पालक, मेथी, साग, जो आजकल सीजनल सब्जियां हैं, ये आजकल बहुत ही प्रचलित है। इसको ना छोड़ें, हफ्ते में 1-2 बार जरूर लें। इसके लिए आप पानी जरूर पिए, एक्सरसाइज जरूर करें। एक लोगों में ये भी मिथ है, बहम है कि हम ज्यादा दूध वाली चीजें लेंगे तो हमें यूरिक एसिड की प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने दूध छोड़ दिया, दही छोड़ दिया, दूध दही ना छोड़ें। दूध स्किम्ड मिल्क लें, फैट फ्री मिल्क ले। हमें प्राइन हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
हमें क्या छोड़ना चाहिए, क्या छोड़ना है? जो छोड़ना है उसे हम छोड़ते नहीं। सबसे पहले अल्कोहल, स्मोकिंग, रेड मीट, आर्गन मीट, सी फूड, स्ट्रेस से बचें, तनाव से बचना है। और नेक्स्ट इज नींद का पूरा करना। आपकी नींद साउंड क्वालिटी की होनी चाहिए। सेडेंटरी हैबिट्स को छोड़ना है, एक्टिव लाइफ जीनी है, आपने तेज तेज चलना है। साइकिलिंग को मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ मैंडेटरी कर दे। साइकिलिंग, रस्सा कूदना, तेज तेज चलना, नृत्य करना। आजकल फेस्टिवल सीजन चल रहा है, मिठाइयाँ का खूब जोर है, जंक फूड का बहुत जोर है, डाइट सोडा बहुत जोर है। मैं अपने बच्चों से, अपने युवा पीढ़ी से, अपने जो बच्चे जो कल के हमारे धरोहर हैं, जिनमें से हमें कोई MLA बनेगा, कोई MP बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, सभी से कहता हूँ सेहत हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। डाइट सोडा से बचें, वाइट शुगर से कम अवॉइड करें, सेडेंटरी हैबिट्स को छोड़ें, तनाव से बचें, एक्टिव लाइफ जिएं, और नींद पूरी लें, मोबाइल्स का एडिक्शंस छोड़ दें। इसके लिए हमें और क्या फैक्टर है कि जो किडनी से फिल्टर करती है, किडनी फंक्शनिंग भी आपने देखी, क्या किडनी के फिल्टर्स ठीक काम कर रहे हैं? किडनी के फिल्टर्स ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? गोक्सु को पानी में उबालकर जरूर लें, इससे हमारी किडनी की फिल्ट्रेशन ठीक होती है। और ये किडनी की फिल्ट्रेशन ठीक होगी तो ये हमें हेल्प करेगी यूरिक, बढ़े हुए यूरिक एसिड को फिल्टर आउट करने में, नॉर्मल रखने में। इसके लिए चंद्र प्रभा भट्टी का भी बहुत बढ़िया रोल है। इसके लिए आप धनिया छलियां दे बाल, इन्हों भी उबाल के रख लो। ये ड्रिंक हफ्ते च 2-3 बारी जरूर लो। सत्तू पानी च घोल के पियो, यह भी एक एंटीसैप्टिक का काम करता है, यूरिनरी पेशाब खुल के आंदा है। तो मैं सारियां नूं चाहना, फिर कहना, अपनी डाइट, अपने स्ट्रेस ते एक्टिव लाइफ जियो, जे यूरिक एसिड तो मुक्त संसार नूं करना चाहते हो। मेरी जिंदगी का एक ही पर्पस है, मैं लोगों नूं मोटिवेट करा ताकि एक हेल्दी इंडिया, हेल्दी वर्ल्ड रहे। धन्यवाद।